डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मार्शल की कल्याण केंद्रित परिभाषाओं के बारे में, जो मार्शल कहता है कि सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण की बात करता है अर्थशास्त्र के अंदर, उसके बारे में हमने बात की थी। तो ये क्या कहता है रॉबिन्सन, सॉरी मार्शल, कि जो समाज सॉरी अर्थशास्त्र है वो मानवीय क्रियाओं और सामाजिक क्रियाओं से आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं पर ही केंद्रित है, कि उसको या तो पैसा कमाएगा और साथ साथ में समाज के लिए भी खर्च करेगा। ये मार्शल ने शॉर्ट में कहा था, बट कोई भी नियम आता है उसकी आलोचना जरूर होती है। तो रॉबिन्स ने इसकी आलोचना ही की, इसका क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज किया इसको कि सिर्फ छोटा एरिया बताया। जो अर्थशास्त्र है, सबसे पहले एडम स्मिथ ने सिर्फ अर्थशास्त्र धन से संबंधित बताया था, फिर मार्शल ने उसको समाज से जोड़ा। और ये क्या कहता है कि समाज और धन से जोड़ना ही सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, बहुत सारा एरिया है जिस जो कवर किया जाता है वो इसके अंदर कवर आपने नहीं किया, उसका कहना था। तो उसने क्या क्या आलोचना की वो पढ़ते हैं। पहले आलोचना उसने की कि श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं है। वो क्या कह रहा है, इट्स अ क्लासेस एक्टिव डेफिनेशन नॉट एनालिटिक है, कि इसने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि समाज और आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और आर्थिक क्रिया मतलब सोशल और इकोनॉमिक, इन दो को इसने चूज किया है, उसका विश्लेषण नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया कि वास्तव में उतना होना ही होगा या नहीं होगा। जैसे मार्शल ने कहा था कि ये कंजूस हुए, काल्पनिक लोग हुए या ऐसे लोग हैं जो एकांतवासी है, साधु सन्यासी है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, जबकि वो भी तो समाज का हिस्सा है। कंजूस है तो क्या होगा, समाज में वो भी रह रहा है, कम खर्च रहा है, खर्च हो रहा है। काल्पनिक की बात करें, कंपनी है तो कंपनी क्या मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रही है, मार्केट में कंपनी क्या मार्केट में अपना बिजनेस नहीं कर रही है, कर रही है वो भी कुछ मटेरियल, जैसे मान लो टाटा है तो टाटा भी अपना माल बेच रही है, खरीद भी रही है, तो उनको अलग छोड़ देना, उनका विश्लेषण नहीं करना, ये गलत चीज़ थी। रॉबिन्स क्या कहते हैं कि ये सब वैल्यू भी उसके अंदर आते हैं। तो सिर्फ भौतिक और दूसरा उसने कहा सिर्फ भौतिक साधनों को मानना, उसने क्या कहा था जो फिजिकल या मटीरियल है, जो फिजिकल है, जो आप छू सकते हो, भौतिक साधन जो है उन्हीं को उन्होंने कंसिडर किया था, किसने, मार्शल ने। बट ये क्या कहते हैं भौतिक साधन को ज्यादा कंसिडर नहीं किया, जैसे सेवा है, सेवा को आप छू नहीं सकते, लेकिन सेवाएं तो मिलती है, उसका भी मार्केट में बढ़ना शेयर है, होता है कि नहीं होता है। आपको किसी ने सेवा प्रदान की, आप सिंपल से छोटा सा लेकर बाल लगाने में लाइन के बाद लाइन आपने प्रोडक्ट में क्या दिया, कुछ नहीं दिया, बट सेवा दी, सेवा के बदले आप उसको कुछ पे करते हो, तो उनको उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। ये उसने आलोचना की, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा, जो मास्टर ने कहा था कि साधारण व्यवसाय की बात करते हैं, साधारण खरीदना है बेचना है, तो साधारण असाधारण क्या होता है, बिजनेस साधारण ही होता है कोई, ठीक है असाधारण काम है, दो नंबर वाला काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, उसको बांटना कि साधारण व्यवसाय है, असाधारण व्यवसाय है, ये अपन कर नहीं सकते, जनरली इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो व्यवसाय है वो साधारण तरीके से किया जाता है, असाधारण तरीके से कोई भी व्यवसाय नहीं किया जाता। तो उसने कहा कि श्रेणी को आप बना दिए, विश्लेषण नहीं किया उसका, श्रेणी तो बना दी बौद्धिक अबौद्धिक साधारण असाधारण, बट उनका विश्लेषण नहीं किया कि ये आगे जाकर सही है या नहीं है, पहली विश्लेषण। दूसरी आलोचना की उसने, अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं। जैसा मैंने बताया था, मार्शल क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स किसमें, इकोनॉमिकल और सोशल, सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं में काम करता है, उसका ही विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान नहीं है। क्यों, ये जो मानव है, मानव की बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है, फॉरन एग्जाम्पल मानव के लिए क्या है, जैसे उसने कहा समाज के लिए कुछ खर्च करना चाहिए, सबसे पहले उसने क्या कहा समाज विज्ञान के अंदर, समाज के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। अब कोई कारण ऐसा है कि आप खुद इतना कमा नहीं पा रहे हो, आपकी अर्निंग या आपकी इनकम है आय है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो क्या आप उसमें समाज के लिए खर्च कर पाओगे, नहीं खर्च कर पाओगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, बस इनकम अच्छी है बट आपके कुछ खर्चे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी कराना है मान लो, या और कोई खर्च आ रहा है, या मकान बनाना है उसमें खर्च आ रहा है, पैसा बहुत है लेकिन खर्च हो रहा है उसमें, आपके आय के साथ आपका व्यय भी बढ़ता चला जा रहा है, तो जो व्यय ज़्यादा बढ़ रहा है आप समाज के लिए कहाँ खर्च कर पाओगे, पहले अपना व्यय पूरा करोगे समाज के ऊपर खर्च करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उससे ये मानव विज्ञान है, ये मानव को भी देखना पड़ेगा, मानव की बहुत सारी क्रियाएं होती है, मानव के बहुत सारे काम होते हैं जो समाज से अटके होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी नजरअंदाज करना सही नहीं है। फिर तीसरा उन्होंने आलोचना की, अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण से जोड़ना अनुचित, ठीक है। अब इसे कहते हैं भौतिक कल्याण से जोड़ना है, अब भौतिक कल्याण खुद ही नहीं बता पाते भौतिक कल्याण होता क्या है, भौतिक कल्याण है चीज़ क्या, क्या होता है ये वेलफेयर वो बता नहीं पा रहा है, तो उससे सिर्फ जोड़ देना ऐसे भौतिक कल्याण के लिए जो दिख रहा है, जो इसको टच किया जा सकता है, ऐसे कल्याण करना है, आपने किसी के लिए गार्डन बनवा दिया, किसी के लिए स्कूल बनवा
लगा दिया, वही चीज कर दी, तो वो जरूरी नहीं है। आप किसी को और भी तरीके से उसकी सेवा या कल्याण किया जा सकता है समाज के अंदर। तो सिर्फ भौतिक कल्याण में जोड़ना ये पॉसिबल नहीं, आप किसी को सेवा ही दे सकते हो। आपने क्या किया कि किसी को और कुछ नहीं कर गया, किसी को यहाँ से वहाँ छोड़, मान लो किसी गरीब आदमी का उसको कहीं जाना था, उसके पास पैसे नहीं, आपने क्या किया उसको पैसे देके गाड़ी करवा दी, गाड़ी से उसको छोड़वा दिया, तो सेवा दे दिया आपने, तो भौतिक कल्याण नहीं करते क्योंकि आप उस सेवा को छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो भौतिक कल्याण से जोड़ना भी अनुचित है। आपने किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा दिया, मान लो कोई गरीब बच्चा था आपने पढ़ा दिया फ्री में, तो आपने सेवा दी उसको, भौतिक रूप से कोई कल्याण नहीं किया लेकिन उसका कल्याण आपने कर दिया, सेवा कर दिया। तो सिर्फ भौतिक कल्याण से जोड़ना अनुचित है। और लास्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित करती है, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, जैसा मैंने बताया था, सिर्फ आर्थिक और सामाजिक नहीं, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और आते हैं जो उसके अंदर देखे जाते हैं। आर्थिक के साथ सामाजिक देखा जाता है, अपना क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ दो क्षेत्रों को बात करना ये उसके एरिया को थोड़ा सा छोटा कर देती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, ठीक है। और अर्थशास्त्र ज़्यादातर पैसे से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है, ये दूसरे क्षेत्र उसके अंदर रहेंगे, बट सिर्फ समाज के साथ जुड़ना उसको सही नहीं है। अब ये तो इसकी आलोचना है, बट अगर कंक्लूजन की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्शल ने एक व्यवहारिकता जो एडम स्मिथ ने सिर्फ धन से रिलेटेड कहा था, सिर्फ धन 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 कमाना है, धन ही खर्च करना है बस, वही अर्थशास्त्र है, उसको थोड़ा व्यवहारिक तरीके से उसने मार्शल ने जोड़ा, व्यवहारिकता जोड़ी उसके, लेकिन नहीं सिर्फ धन कमाना उद्देश्य नहीं है, धन को उस समाज के लिए खर्च करना भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो मार्शल भी अगर कह सकते हैं कि जो परिभाषा थी वो थोड़ी व्यवहारिक थी, उसने थोड़ी व्यवहारिकता उसके अंदर लेके आया है। तो ये था मार्शल। नेक्स्ट वीडियो रॉबिन्स की, मेहता की जो परिभाषाएं हैं उनको और एक कॉटिंग देगी, उनको हम शॉर्ट फॉर्म में एक साथ नहीं पढ़ लेंगे, सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सिर्फ कॉटिंग क्या कहता था, मेहता क्या कहता है और रॉबिन्सन क्या कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जिसने अभी तक फीस अपनी जमा नहीं करेगी वो कृपया अपनी फीस जमा करवा दें। थैंक यू।